सो गाइस, रेयर क्रैश गार्ड इंस्टॉल करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने ये फ्रेम निकाली जो कि बूट की जो फ्रेम है वो निकाली। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त हैं, मज़े में हैं और सेफ है। तो दोस्तों, और एक बढ़िया सा वीडियो लेके आया हूँ आज मैं ओला S1 Pro पे। मेरी ओला S1 Pro पे एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी एक्सेसरीज। तो मैंने कुछ दिनों पहले, आपने शॉर्ट्स में दिखा ही रहेगा, फेवरेट ऑटो एक्सेसरीज से मैंने ओला की एक्सेसरीज खरीदी और आज मौका मिल गया है हमें फाइनली ये एक्सेसरीज इंस्टॉल करने का। अभी एक्सेसरीज में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मेरी ओला S1 Pro यहाँ खड़ी हुई है। तो हम लोग जो बिठाने वाले हैं वो है ये आगे का फ्रंट क्रैश गार्ड, फिर रेयर क्रैश गार्ड विद पिलियन फुट रेस्ट, और ये जो है हमारा बैक रेस्ट है। अब बैक रेस्ट हम लोग पहले भी बिठा चुके हैं, पर ये थोड़ा सा एडवांस बैक रेस्ट है जो हमें फेवरेट ऑटो एक्सेसरीज वालों ने प्रोवाइड किया हुआ है। साथ ही में इसके हमारे सीट कवर्स भी दिए, स्क्रीन गार्ड भी दिए हैं, और मानसून आ रहा है तो उसके लिए हमारे को उन्होंने एक कवर भी दिया हुआ है, पूरे गाड़ी का एक कवर भी दिया हुआ है। तो आज फिलहाल क्रैश गार्ड इंस्टॉल करेंगे, बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे सीट कवर वगैरह है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वो एंटी स्क्रैच सीट कवर है तो मुझे भी पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि कितना अच्छा है, ड्यूरेबल है। पर फिलहाल हम लोग ये वाले जो एक्सेसरीज है वो इंस्टॉल करती है, लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग फ्रंट क्रैश गार्ड इंस्टॉल करेंगे। ये है इसके फ्रंट क्रैश गार्ड्स, तो हम लोग इसको यहाँ बिठाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसके साथ इन्होंने कुछ बिठाने के इक्विपमेंट्स भी दिए हुए हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर, एलन बोल्ट, एलन कीज, और पाना भी दिया हुआ है। साथ ही में एक मैनुअल भी दी हुई है। अगर आपको ऑनलाइन भी देखना है तो इंस्टॉलेशन वीडियोस अवेलेबल है, मैं उसी को फॉलो करके इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग फ्रंट क्रैश गार्ड इंस्टॉल करते हैं। तो गाइज, इसमें हमें यहाँ, यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है, ये तीनों पॉइंट्स पे ये वाला क्रैश गार्ड इस तरह से इंस्टॉल करना है। बहुत इजी है, कोई एक्स्ट्रा बोल्ट्स की ज़रूरत भी नहीं है, जो है स्टॉक बोल्ट्स पे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको पसंद आएगा ज़रूर और इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। मेरे पास रैचेट का टूल है इसलिए मैं ये रैचेट टूल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो फेवरेट ऑटो एक्सेसरीज़ वाले आपको पूरा ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, एलन बोल्ट्स और एलन कीज, तो उससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, हमने अभी 1, 2 और 3 यहाँ के बोल्ट जो है वो निकाल लिए हैं। अब हम लोग यहाँ इसको सिंपल इंस्टॉल करेंगे, और ये स्टॉक बोल्ट है वो ही इसके अंदर हम लोग बिठाएंगे ऐसे करके। तो कोई भी आपको कुछ भी नए बोल्ट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, जो राइट साइड का क्रैश गार्ड है वो पूरे अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, काफ़ी आगे तक जाता है, तो आपके इंडिकेटर को भी प्रोटेक्टेड रखेगा। साइड पैनल जो है वो पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा, तो अगर आपकी गाड़ी समझिए कोई भी लेफ्ट या राइट को गिरती है तो फर्स्ट इंपैक्ट जो है वो इस पे रहेगा, और काफ़ी अच्छे से टाइट बैठा है। और अभी इसी तरीके से हम लोग उस तरफ का भी इंस्टॉल करेंगे, और फिर मैं आपको इंस्टॉल करके उसका वीडियो दिखाता हूँ। सो गाइस, फ्रंट क्रैश गार्ड इंस्टॉल हो चुका है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये है गाड़ी की राइट साइड, और अब हम लोग आते हैं गाड़ी के लेफ्ट साइड पे, वो ये है। परफेक्ट मैच हो गए सारे होल्स और फिटिंग्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जो रेयर क्रैश गार्ड है विद द पिलियन फुटरेस्ट वो बिठाएंगे, और फिर मैं आपको उसका भी कंप्लीट वीडियो बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। सो गाइज, ये है रेयर क्रैश गार्ड जिसमें पिलियन फुटरेस्ट इंटीग्रेटेड है दोनों तरफ, और ये कुछ उन्होंने एडिशनल एक्सेसरीज दी है जिससे हम लोग सपोर्ट लेंगे, यहाँ से सपोर्ट लेंगे, और वो जो सपोर्ट है वो आपके बैक रेस्ट में भी जाएगा। तो जो पुराना वाला बैक रेस्ट है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट का इशू था, जो थोड़ा सा हिलता था, थोड़ा सा रैटलिंग का नॉइज आता था, वो इन सपोर्ट्स के वजह से कम हो जाएगा, ये जो सपोर्ट्स दिए हैं उनके वजह से कम हो जाएगा। और इस क्रैश गार्ड की और एक खूबी ये है कि ये फोल्डेबल फुट रेस्ट दोनों तरफ दिए हुए हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। फुट प्रेस जो है यहाँ इस तरफ ही इसके अटैचमेंट्स आते हैं यहाँ, तो इस तरफ हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं आपको इसको इंस्टॉल करके फिर इसका पूरा एक वॉक अराउंड भी दिखाऊंगा।
सो गाइस रेयर क्रैश गार्ड इंस्टॉल करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने ये फ्रेम निकाली जो कि बूट की जो फ्रेम है वो निकाली। उसके बाद ये दो एलन बोल्ट्स निकाले जो कि ग्रैब रेल्स के हैं इन्हीं के, और उसके बाद जो हमने निकाला है वो है चार्जिंग सॉकेट का जो लिड है वो हमने निकाला है। ये सब हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं ताकि फिटमेंट अच्छे से हो सके और बैक रेस्ट के साथ जो लोअर क्रैश गार्ड है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो सके। ये सारे अटैचमेंट्स इसलिए निकाल रहे हैं ताकि जो फिटमेंट हो वो मजबूत रहे, हिले ना और रैटल भी ना हो। सो गाइज अभी हमने ये दो सपोर्ट्स डिराइव कर लिए हैं यहाँ से ग्रैब रेल्स के यहाँ से, ताकि जो नीचे यहाँ से जो क्रैश गार्ड जाएगा तो उसको एक एडिशनल सपोर्ट भी मिल जाएगा ताकि वो ऊपर नीचे हिले ना, और यहाँ से ही आपको एडिशनल सपोर्ट मिलेगा बैक रेस्ट के लिए भी यहाँ कुछ ऐसे। तो ये जो एडिशनल सपोर्ट्स डिराइव किए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो अभी हम लोग भी नीचे का जो अरेंजमेंट है वो करेंगे। सो फाइनली गाइज ओला S1 Pro के जो क्रैश गार्ड्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यस शाम हो गई इंस्टॉल करते करते, पर उतना टाइम तो लगता ही है। मैंने एक्चुअली 4:30 बजे के आसपास शुरू किया था, और जो फ्रंट क्रैश गार्ड है वो हार्डली 15-20 मिनट्स में आपका इंस्टॉल हो जाता है। रेयर क्रैश गार्ड को थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि उसके कुछ पैनल्स निकालने पड़ते हैं गाड़ी के, फिर फिटमेंट करनी पड़ती है, साथ में बैक रेस्ट भी है। तो इन सारी चीज़ों को आप लगभग पकड़ लीजिए 2 घंटे इंस्टॉलेशन को लग सकते हैं। DIY प्रोसेस है तो काफ़ी सिंपल है, कोई भी ऐसा आपको एडिशनल सपोर्ट निकालना है फिर एडिशनल कुछ बोल्ट्स लगाने ऐसा कुछ नहीं है। सब जो उन्होंने प्रोवाइड किया है वही सारी चीज़ें यूज़ करनी है, और सॉलिड फिटिंग हो गई है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं से लूज़ लग रहा है, कहीं से कुछ स्लिप हो रहा है, स्टर्डी लग रहा है क्रैश गार्ड, मतलब इम्पैक्ट ले सकता है ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। बैक रेस्ट भी काफ़ी स्टिफ हो गया है, पहले वाला जो ऐसा लूज हो रहता था वो नहीं है अभी, एकदम काफ़ी स्टिफ है, फोम है, तो सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ ना ओला S1 Pro का जो लुक आ रहा है ना वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, पर अभी अंधेरे में मैं आपको नहीं दिखाऊँगा, आपको ज़रूर दिखाऊँगा पर अच्छे डे लाइट में। तो थोड़े से कुछ मिनट या कुछ सेकेंड्स के लिए रुकिए, और इसके बाद मैं आपको अच्छा वाला पूरा वॉक अराउंड करके दिखाता हूँ कि ओला S1 Pro विद द फेवरेट ऑटो एक्सेसरी क्रैश गार्ड कैसी लग रही है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया लग रही है, लुक एकदम परफेक्ट आई है, साथ ही में जो उसका जो ड्यूरेबिलिटी है मुझे लग रहा है क्रैश गार्ड की वो काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो ये रहा आपके लिए उसका वॉक अराउंड। वेल दिस इज इट गाइज, फाइनली एक्सेसरीज लग गए हैं गाड़ी पे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी स्टर्डी लग रहे हैं, और मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, पर अगर आपको भी अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लग रहे हैं एक्सेसरीज। ये जो एक्सेसरीज है मैंने फेवरेट ऑटो एक्सेसरीज के वेबसाइट से लिए हुए हैं, तो आपको भी अगर ये एक्सेसरीज खरीदने हैं सारे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे एक्सेसरीज है, वेल्डिंग वगैरह जो भी फिनिशिंग है, पेंट क्वालिटी है, नट बोल्ट जो दिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है इस एक्सेसरीज़ के अंदर। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे बढ़िया से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।